हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी वर्ल्ड ऑफ विद्या। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी की कट ऑफ के बारे में। आरआरबी ग्रुप डी को हम लोग आरआरसी ग्रुप डी के भी नाम से जानते हैं। और आरआरबी ग्रुप डी की जो कट ऑफ है 2021 में कितनी रह सकती है, उसके बारे में इस वीडियो में कंप्लीट चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कट ऑफ होती है वो किस पर डिपेंड करती है। तो कट ऑफ जो आप लोगों की होती है वो जून वाइज डिपेंड करती है, और आप लोगों की कितनी वैकेंसीज हैं और कितने फॉर्म फिल किए गए हैं उस पर भी डिपेंड करती है। तो यहाँ इस वीडियो में 2018 की कट ऑफ मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी, और 2020 में आप लोगों की कितनी कट ऑफ रह सकती है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगी। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप लोगों को आराम से पता चल जाएगा कि आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है और आप लोगों को एक सीट के लिए कितने फाइट करने की ज़रूरत है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 2018 की डिटेल के बारे में। तो 2018 में जो आप लोगों की वैकेंसीज रही थी वो रही थी 62,907, और इस पर जो फॉर्म फिलअप किए गए थे वो किए गए थे 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा फॉर्म फिल किए गए थे, यानी कि उस टाइम पर एक सीट पर 400 कैंडिडेट की फाइट थी। एक सीट पर 400 कैंडिडेट लड़ रहे थे कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए। उस टाइम जो आप लोगों की कट ऑफ गई थी वो क्या गई थी उसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि 2020 में आप लोगों की कितनी वैकेंसीज हैं। 2020 में कितनी वैकेंसीज हैं, 1,37,000, और फॉर्म कितने फिल किए गए हैं, 1 करोड़। यानी कि आप लोगों को यहाँ पर आधी फाइट भी देखने को नहीं मिल रही है, जबकि 2018 में क्या हुआ था, 62,907 वैकेंसीज थी और 1.5 करोड़ फॉर्म फिल किए गए थे। एक सीट पर 400 कैंडिडेट की फाइट थी, लेकिन 2020 में आधी भी नहीं रही है। 2020 में एक सीट पर सिर्फ और सिर्फ 150 यानी कि 150 लोगों की फाइट है। आपको दुनियादारी से कुछ नहीं लेना देना, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एक सीट पक्की करनी है। वो कैसे करनी है उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों की 2020 में कट ऑफ गिरने वाली है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 2018 की, कि 2018 में जून वाइज कितनी कट ऑफ गई थी। तो यहाँ मैं सबसे पहले बात कर लेती हूँ कम्युनिटी, यानी एक्स सर्विसमैन क्या होता है, जो लोग पहले से ही आरआरबी में काम कर रहे होते हैं, और सीसीएए होता है जिन लोगों को आरआरबी के द्वारा ट्रेंड किया गया होता है। इन दोनों को रिलैक्सेशन मिलता है, तो हमें इन दोनों को नहीं देखना है, हमें देखना है अपने बारे में जो नॉर्मल लोग होते हैं। तो ये मैं आप लोगों को अलाहाबाद की कट ऑफ बता रही हूँ। तो जर्नल में जो अलाहाबाद की कट ऑफ गई थी वो गई थी 74, और यहाँ ओबीसी में 69, एससी में 62 और एसटी में गई थी 50। यहाँ अलाहाबाद की बात कर ली, और यहाँ पर अहमदाबाद की बात करें तो ये 71 गई है। किस में गई है, जर्नल में। तो हम लोग यहाँ सिर्फ इतनी बात करेंगे कि हमें कितने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने हैं जिससे कि हमारी जॉब ना जाए, हम लोग सीट पक्की कर लें। सिकंदराबाद में कितनी गई है, 69, बहुत ही कम गई है। और सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गई है वो किस जोन में गई है मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ। जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई है वो पटना की गई है 77, और यहाँ मुंबई की कम गई है, लेकिन एक और जोन है कोलकाता। कोलकाता में आप लोगों की हाईएस्ट, आप लोगों की कट ऑफ गई थी हाईएस्ट, 80 पर गए थे। तो आप लोगों ने यहाँ पर जितनी भी कट ऑफ देखी, लेकिन हमें सबसे लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ इतना करना है कि हमारी जॉब हमें मिल जाए। तो आप लोगों को कितने मार्क्स गेन करने चाहिए जिससे कि आप लोगों को आपकी जॉब मिल जाए, तो मैं यहाँ आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आप लोगों ने 72 से लेकर 75 मार्क्स गेन कर लिए तो आप लोगों की नौकरी कहीं नहीं गई है, कहीं नहीं गई है।
ये बात ध्यान रखिएगा, आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, आप लोग कैटेगरी क्यों देखते हो? आपको जब जॉब चाहिए तो कैटेगरी नहीं देखी जाती है, कैटेगरी में लगे रहोगे तो कुछ नहीं होता, हमें सिर्फ फाइट करनी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला पाएं। तो अगर आप लोग 72 से 75 मार्क्स ला पाते हो तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपकी जॉब आपके हाथ में होगी, कोई भी आपकी जॉब आपसे ले नहीं सकता। तो ध्यान रखिएगा कि आप लोग अपना टारगेट अभी से बनाइए कि आप लोग 72 से 75 मार्क्स लाकर रहेंगे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। और इसके लिए मैंने एक बेस्ट स्टडी प्लान भी बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, बेस्ट स्टडी प्लान कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा किस पर फोकस करना है। अगर आप लोग उस स्टडी प्लान को अपनाते हैं तो आप लोग आराम से 75 मार्क्स गेन कर सकते हैं, अरे 70 क्या, आप लोग 80 मार्क्स गेन कर पाएंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। यहाँ पर मैं वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।